पाक का सहारा ले रहे हैं, नहीं तो ऐसी ठंड में कैसे। कौन कौन कच्ची मैगी खाना पसंद करता है? अरे मेरे पीछे देखो क्या दुकान सी लगा रखी है। हीटर नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और गाइस, हम सब तो अच्छे हैं लेकिन मौसम अच्छा नहीं हो रहा है। क्यों हो गया इतना मौसम गंदा, पता नहीं। मैंने वेदर रिपोर्ट देखी तो पूरे हफ्ते है ना ऐसे ही दिखा रहा है। अब भगवान कृपा कर दे थोड़ा सा तो रोशनी हो जाए, सूर्य भगवान भी इस बाद ये जो फॉग हो रहा है इसको थोड़ा चीर के अपनी रोशनी दे दे। बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। मैंने तो आज बच्चों को स्कूल नहीं भेजा है, ना खुशी को ना कान्हा को, वो दोनों के दोनों घर पर। और खुशी को तो खासकर जुकाम हो गया, वो तो वैसे भी नहीं जा रही थी, बट कान्हा को भी नहीं भेजा क्योंकि वो खुद से जाता है ना, और सामने से कुछ नहीं दिखाई दे रहा। विजिबिलिटी देखो ज़रा, ये दिख रहे इनके आगे का कोई इंसान खड़ा होगा ना उतना दूर पर, वो बस दिखेगा ही नहीं। बहुत गंदा हो रहा, बहुत ज़्यादा। अरे आज सुबह सुबह पता नहीं कौन आ गए इधर, सुबह सुबह आ जाते हैं यार, थोड़ा सा उजाला ही होने देते अच्छे से। मांगने के लिए नहीं आते वो, उधर चिल्ला रहे हैं, मतलब मांग रहे हैं, क्या करें, अजीब सा लगता है ना सुबह सुबह। और हम लोग थोड़ा बाहर आए हुए हैं, हमने कहा चलो थोड़ा घूम लेते हैं, ऐसे बैठ बैठ के और ठंड लग रही है। और बच्चे हैं अंदर, मैंने खुशी को दे दी भाप, मैंने कहा तू सो जा थोड़ी देर भाप लेके, उसकी नाक बिल्कुल ब्लॉक हो रखी है, सांस भी नहीं ली जा रही उससे। और हम लोग थोड़ा बाहर घूम रहे हैं, फिर हम भी चलते हैं अंदर। देखो पीछे का नज़ारा, आपकी तरफ भी हो रहा है ऐसे ही कोहरा। इसको एक कंबल दे देती हूँ, आई हुई है चिल्ला रही है यार, अच्छा नहीं लग रहा। इसी बच्ची है उसको भी लेके आई है वो औरत, बताओ ये नहीं। क्या नाम है तेरा, क्या नाम है, नाम बता। ले चल ले। चल बाय, अच्छे से पकड़ खा ले। सो गाइस टाइम हो गया है 9, और गाइस आज मैं स्कूल नहीं गई क्योंकि गाइस आज बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी और गीला गीला भी हो रहा था, इसलिए बारिश जैसी आ रही थी हल्की हल्की, तो मम्मी ने बोला आज मत जा स्कूल। सो गाइस आज मैं नहीं जा रहा। और गाइस हम सब ने नहाना धोना कर लिया है, मैंने और खुशी ने तो मुँह हाथ धोया, पर दादी मम्मी और पापा ने तो पता नहीं क्यों नहा लिया है इतनी ठंड में, है ना। सो गाइस दे रहे दादी पापा इस समय बैठे, नहा के बैठा हूँ मैं, नहा के इतनी ठंड में, और क्या है। रही मम्मी नहाया क्यों, हो रही है तो फिर क्यों नहाया। अब नहाना तो पड़ता है, सब काम करते थे, नहाना तो पड़ेगा। खुशी कान्हा ने नहीं नहाया बस, क्योंकि खुशी को रखा है जुकाम, और कान्हा जी तो कान्हा जी ये पिद्दे से हैं, उसमें जान तो है नहीं। और अब थोड़े कपड़े सूखा रहे हैं, थोड़े से धोए कपड़े, अब क्या करें, ऐसे ही हो रहा है, थोड़ा सा तो कपड़े डालने ही पड़ेंगे। दादी चली गई सर में कपड़े लेके, परात ले रख रखी है सर में, ये इधर रहो। सो गाइस बाहर की शहर करके आते हैं, हमारा है ना ये टीवी का रिमोट खराब हो गया। कहाँ ये रिमोट भी ले जाऊं क्या दिखाने के लिए, ये रिमोट खराब हो गया, इसको लेके आते हैं फिर, नहीं तो कैसे देखेंगे टीवी। हाँ आ गए, चलो निकल पड़े, सबने पहन रखे तो कंबल शॉल सब पहन के जा रहे हैं। गाइस ये है सर्दियों की सुबह, दुकान ही नहीं खुल रही हैं, लोग बाग जा रहे हैं अपना काम पे, रजाइयों की दुकान जो खुल गई पहले। सुबह सुबह रिमोट की खोज में निकल गए हम लोग ठंड खाते हुए। गाइस मिल गया रिमोट, बहुत दूर आ गए हम लेने के लिए, रिमोट की खोज में हम आ गए ओल्डीसी रोड, इतनी दूर बताओ ठंड में। ओल्डीसी रोड है, हाँ ये ओल्डीसी रोड है। गाइस हमने दूसरा रूट ले लिया है क्योंकि उधर से रोड खराब हो रही है ना, बार बार उतरो चढ़ो, देखो इधर आगे से धुंध, सब आग का सहारा ले रहे हैं, नहीं तो ऐसी ठंड में कैसे होगा भाई। ये देखो कैसे रह रहे होंगे बेचारे। बाबू नहीं मिला वो है, नहीं उसके लिए कहाँ गए थे। सो गाइस पापा का टाइम हो गया और पापा जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ऑफिस काम से। जीरा तो नहीं डाला था ना, नहीं डाला जीरा, जीरा क्या दिख रहा है। देसी मैगी बना रहे हैं हम, देसी मैगी है, देसी स्टाइल में मैगी। तो ऐसे क्यों खा रहा, पेट में दर्द हो जाएगा, तू उल्टे काम करता है खाना।
भाई कमेंट में जरूर बताना कौन कौन कच्ची मैगी खाना पसंद करता है। तेरे जैसे ही करेंगे। गाइस काना ने आज दादी को मैगी खिलाई दी, सबसे हम कंफ्यूज हो रहे थे मैगी बनाए कि क्या बनाए। तो गाइस आखिरकार आज मैंने दादी को मैगी खिलाई थी, मम्मी कंफ्यूज हो रही थी क्या बनाए, खिचड़ी बनाए मैगी बनाए, मैंने बोला मैगी बना दो, दादी खा ली, सुबह खा ली है और गाइस बहुत बढ़िया मैगी बनी। गाइस कल मम्मी ने अपनी पगड़ी बांधी थी, आज मम्मी मेरी पगड़ी बांध हुई है। देख अच्छा लगता है पगड़ी बांधना सीख। क्यों? अरे मस्त लगता है मेरे को तो, अच्छा लगता है पगड़ी बांधना। फिर नाना भी बांधते थे पगड़ी ऐसे। टीका तो हटा दिया। नहीं कोई बात नहीं, चलता है अपना। ये देखो अब कर लू घा लेके आ जा। क्या लेके आ? घा? हाँ, कैसे घा लेके आना? गाय के लिए, साइड में गाय है ना, तो पगड़ी बांध के घा ले जाते हैं। पागल है तू? लग रहा है उसका, ये होता है सर का ताज, क्राउन होता है ये सर का। ये देगा, ये रहा हमारा कन्नू। हवा भी नहीं लगती सर में, मस्त लग रहा है ना। गई शाम के 4 बज रहे हैं और कान्हा खुशी अम्मा सब सोए हुए हैं। देखो ये देखो सोए हुए ठंड के मारे। अभी कान्हा को मैं उठा रही हूँ और उठ नहीं रहा, फिर बोलेगा आपने मेरे को उठाया नहीं। अभी हो गया चाय पीने का टाइम, 5 बज गए हैं, सब उठ गए हैं, देखो बैठे हैं सारे। कान्हा जी, कान्हा को मैंने उठाया था खुशी, मेरे पास प्रूफ भी है, मैंने रिकॉर्डिंग कर रखी है, मुझे मालूम था मेरे को बाद में बोलेगा। 4 से ऊपर हो गया, तूने बोला 2 मिनट, अब मैं क्या कर सकते हैं। खुशी ने एक वीडियो बनाई है, उसके चैनल पर जाके जरूर देखना। ये देखो जस्ट अब भी बनाई रही है, मैं नहीं दिखाऊंगी, अगर मैं दिखा दूंगी तो क्या फायदा। आप उसके चैनल पर जाना, वीडियो देखना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। और ये मेरे पीछे देखो क्या दुकान सी लगा रखी है कपड़ों की, कपड़े सूख ही नहीं रही है, जगह जगह कपड़े डालो के। देखो पीछे आजा मेरे साथ। देखो गाइस शाम हो गई है, आज हम अपना एक वेपन लेके आ रहे हैं। आ जाओ। मम्मी क्या देख रहे हो? हीटर। याद ही नहीं रही हीटर भी हमारे पास। चलो आज हीटर लेके चलते नीचे। मेरे को याद था पर मैंने सोचा कि हीटर नहीं। तुझे याद था? तेरे बताया नहीं मुझे, मैं तो भूल ही गई थी। हीटर निकाल दिया है नए साल की खुशी में, ये लो, मेरे को तो याद ही नहीं थी। ये लो जी खोल दिया। ओहो इसमें तो कपड़ा मारना पड़ेगा, इस पे डस्ट लग रही है। इसको ऐसे ही रख दे बाबू, थर्माकोल उसके अंदर डाल दे। हो गया हीटर चालू, आएगी गरम गरम हवा, थोड़ा सा रूम गरम करने के लिए बस। गाइस ये आ गए हैं ठंड में ठिठुरते हुए, ड्यूटी करने वालों का यही होता है डिसएडवांटेज सर्दियों में। सो गाइस टाइम हो गया 12:45 बज गए, अभी तक सोई नहीं हूँ मैं, बस मैं अब जा रही हूँ, एडिटिंग हो गई है और मेरा प्रोग्राम भी ख़त्म हो गया है। और गाइस आज की वीडियो आपने देखी, आई होप आपको पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट जल्दी से, और जो न्यू है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए जरूर चाहिएगा। सो गाइस मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।